काशिप, मेरे चैनल में सूबे काशिप वर्ल्ड में आपका मैं वेलकम करती हूँ। सो आज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। सो आज मैं आई हूँ जौहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट पे। काफ़ी दिनों से इसके रिव्यू सुन रही थी और वीडियोज़ भी देख रही थी, सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ। सो इसका नाम है रॉयल ग्रिल, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में आपने ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा होगा। अब मैं आई हूँ यहाँ पे आपको इनका एम्बियंस दिखाने, इनकी सारी सर्विसेज दिखाऊंगी, इनका फूड का कंप्लीट एक रिव्यू दूंगी और पूरी एक क्वालिटी, इनकी क्वांटिटी, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलें आए रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। आप ये इनका मेन काउंटर देखें, कितना इसका एम्बियंस देखें, कितना ज़बरदस्त है और बिल्कुल फ्रेश लुक आती है यहाँ पे आके। तो इनके सारे ये वेटर्स भी खड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देंगे, तो आप भी आएँ। इनका ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपको एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नज़र आएगा और कूजी कूजी सी लाइट्स का सारा अरेंजमेंट है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनका किचन भी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही है और फर्स्ट फ्लोर भी है जहाँ पे आप इवेंट्स भी कर सकते हैं। सो आई मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर चलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ और अब आप देखेंगे इनके फर्स्ट फ्लोर की जो वाइब्स हैं वो कितनी पॉजिटिव है। तो आप लोग भी आए मेरे साथ देखें फर्स्ट फ्लोर इनका। ये देखें इनका सिटिंग अरेंजमेंट कितना ज़बरदस्त है और यहाँ पे इनके ये बर्थडे अरेंज करते हैं। आपने कोई भी इवेंट कराना है तो आप करा सकते हैं। इनका आप व्यू चेक करें और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सा इवेंट हो सकता है आपका।
खाने से पहले जो है स्टार्टर में सूप सर्व करते हैं और ये सबको सर्व करते हैं, ये नहीं कि कोई ऑर्डर करे तो सर्व करते हैं, ये ओवरऑल सबको सर्व करते हैं। सो मैं इनका ये सूप ट्राई करके देखती हूँ कि ये फ्लेवर वाइज कैसा है। बहुत अच्छा फ्लेवर है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें जो है इसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स आ रहे हैं वो हैं, बहुत मज़े का लगा मुझे। और स्टार्टर में तो गर्मा गर्म बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त। हैं तो इसमें हाफ प्लेटर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं मेंशन करवा देता हूँ। एक चिकन बिहारी विथ बॉन है, स्पाइसी है ये, और ये नॉन स्पाइसी बीफ अफगानी बोटी है, बीफ अफगानी बोटी। और उसके बाद है ग्रिल फिश है, और उसके बाद मटन रिब्स है और मटन चॉप्स है इसके अंदर, और इसके अलावा मटन स्पाइसी बोटी है इसमें, और चिकन मलाई बोटी जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मटन कबाब है और चिकन रेशमी कबाब है। और इसके अलावा हम इसके ऊपर सर्व करते हैं बहुत ही मशहूर चीज़ है फ्राई कबाब, बटर फ्राई कबाब। हम इसको सर्विंग के साथ प्लेटर के साथ ही देते हैं विद सैलेड। इंशाल्लाह आपको फुल हाइजेनिक से क्लियर आपको यहाँ पर फूड इंशाल्लाह सर्व होगा। जी फाइनली इसके अंदर जो इजाफा हुआ वो मटन अफगानी पुलाव का और एक फ्राई कबाब हमारे स्पेशल है बटर के साथ। ये कहीं पर भी प्लेटर में ऐड नहीं होता, हमारे पास स्पेशली ये ऐड होता है। बहुत प्लेटर मुझे लग रहा है, मैंने बहुत प्लेटर खाए हैं, इतना बड़ा प्लेटर मैंने नहीं देखा, ये तो बहुत जबरदस्त प्लेटर है। जी हाँ, और मलाई बोटी, चिकन बिहारी विद बॉन, और मटन चॉप, मटन रिब, और स्पाइसी मटन बोटी, और बीफ अफगानी बोटी, और आप ये ग्रिल फिश। थैंक यू सो मच, आपने बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से बनाया है, आप इसको टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह बनाया। थैंक यू, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अभी हमने जो है बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ग्रिल प्लेटर तो देख लिया है, और अब हमारा दूसरा ऑर्डर जो है वो फेयर होने जा रहा है। यहाँ पे जान साहब है जो की यहाँ के जनरल मैनेजर भी है और शेफ भी है, हेड शेफ है। तो जान साहब, अब आप हमारे लिए दूसरी डिश कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सर, हम आपके लिए अमेरिकन बीफ स्टेक प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारे बहुत ही स्पेशल है। आप अमेरिकन बीफ बर्गर आपको हर रेस्टोरेंट में मिलेंगे, लेकिन हमारी रेसिपी यूनिक है और बहुत बेहतरीन है, आप ट्राई कीजिएगा और आप मैकिंग करते हुए देख भी लीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, जी अभी ये हमारे ग्रिल है जहाँ हम स्टेक मैक करते हैं। आप ग्रिल बीफ स्टेक जो है ना बिल्कुल मैरिनेट हुआ हुआ और ना मैरिनेट होता है, ये हमारे होम मेड अपने स्पाइसेस होते हैं, तकरीबन इसमें 17 किस्म के स्पाइसेस होते हैं जो मिक्स एंड ब्लेंड बनता है वो इसमें ओवरनाइट। जी जी बिल्कुल, इसमें जो है ना ओवरनाइट मैरिनेट होता है, और अब हम इसको ग्रिल करने जा रहे हैं आपके सामने, और आप देखिएगा। और ये तो मजा आ जाने वाला है आज तो भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये जो आवाज आपको आ रही है ना जनाब, ये है असल में एक ऑथेंटिक ग्रिल और स्टेक की। यूजुअली मैंने रेस्टोरेंट में देखा है ग्रिल जो हुआ हुआ था वो तवे पे हुआ हुआ था, वो ग्रिल नहीं हुआ हुआ था। बिल्कुल, ग्रीन आपने जो है ना ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, और इसके प्रिपेयर होने में तकरीबन हमारे
अगर आप वेल डन स्टेक ऑर्डर करते हैं तो प्रिपेयर होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं प्रिपेयर होने में। अगर आप मीडियम रेयर मीडियम इस तरह से इसको टाइम जो है ना और कम होता जाएगा इसमें। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें वेल डन खाना चाहिए मीडियम खाना चाहिए ना हो, आराम से जो सर आप मीडियम वेल ट्राई करें, मीडियम वेल जी मीडियम वेल ट्राई करें आप। स्टेक के साथ जो साइड में वेजिटेबल सर्व हो रही है वो हमारी जो ना पैन में सोटे होती है और हमारे अपने स्पाइसेस हैं जो वो सारे मिक्स होते हैं इनमें, ये आप देख सकते हैं। जी 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 सर हम असल में आए हैं जी जी सर, हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि हम हमारी जो ना फर्स्ट प्रायोरिटी हाइजीन की है, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को हम वो खिलाएं कि हम खुद भी जिसको मुतमैन होकर खा सके। और इस मार्केट आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है और हम कर भी रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे जो अमेरिकन स्टेक की जो सॉस प्रिपेयर होती है बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन उसमें जो है ना हमारे जो बनाने का तरीकेकार है जिसकी वजह से उसमें बहुत जो हम डिलीशियस जो होती है वो हमारी एक अपनी सीक्रेट सॉस है जो हम मिक्स करते हैं जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सब आज तो ये देखना पड़ेगा खाके ये आप रिकमेंड कर रहे हैं ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, आप इंशाल्लाह अभी ट्राई भी करेंगे आप देखेंगे भी, अभी तो आप बनते हुए आपको तो अरोमा भी आ रहा होगा। बटर मुझे लग रहा है जनाब जी, बटर डाले? जी जी बिल्कुल बटर है। सर अब आपका अमेरिकन स्टेक तकरीबन रेडी है, रेडी टू सर्व है, बस हम आपको अभी सर्व करवाते हैं। आप देखिएगा ये हमारी जो ना सिजलिंग हॉट प्लेट है, तो इसमें हम कुछ ऑनियन अनियन ऐड करते हैं। अनियन इसलिए ऐड करते हैं कि आपके स्टेक का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना, वरना आपको पता है नीचे आयरन की वजह से बिल्कुल बिल्कुल सिजलिंग आउट होता है। और इसी में आपको जो है ना हम सोटे वेजिटेबल और स्टेक के ऊपर आपको एग होता है आप फ्राई वो भी साथ में होगा। ये आ गया हमारा बीफ का स्टेक, ये वेजिटेबल्स आ गए जी, वेजिटेबल्स सर यही तो हमारी सीक्रेट स्पाइसेस है जो नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल आपको इन्हीं चीजों में से जो है ना आपको जो अरोमा आ रहा है ये हमारे सीक्रेट स्पाइसेस है और आपको ये किसी और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल हमारे जो है ना यही होममेड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ओके जनाब ये जो लुक आई है ना ये इज अ मिलियन डॉलर लुक। मजा आ गया मुझे देख के, जान साहब ये बनते नहीं, अब ये खाके हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, अब हम इसको खा के ट्राई करते हैं। आप लोगों को अगर इसके सिजल की आवाज आ रही हो तो बहुत मजेदार प्रेजेंटेशन है इनकी, बहुत मजेदार। बेटा इधर आइए, इसके साथ साइड लाइन के ये राइस सर्व हुए हैं और आप इसकी प्रेजेंटेशन चेक कर ऑर्डर किए हैं। एक है इनका ये अमेरिकन स्टेक और दूसरा हमने इनका ये बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया है, तो इसकी प्रेजेंटेशन से तो मुझे देख के तो मुंह पानी आ गया। अब
टेस्ट करेंगे वन बाय वन। इसमें हर तरह की वैरायटी है, इसमें फिश है, मटन है, बीफ है, चिकन है, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। सो प्रेजेंटेशन से तो बहुत मजे का लग रहा है, अब वन बाय वन हम इनको खा के ट्राई करके चेक करते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहले जो है मैं ट्राई कर रही हूँ चिकन के सीख कबाब से, और साथ में मैं थोड़े से राइस ले लेती हूँ। अब मैं जो हूँ इनको ट्राई करती हूँ। बहुत माइल्ड सा चिकन का फ्लेवर आ रहा है इसमें, और स्पाइसी मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, कोई भी इजीली खा सकता है। ये इनकी मलाई, चिकन की मलाई बोटी में ट्राई कर रही हूँ, साथ में ये इन्होंने फ्राई कबाब दिया तो मैं इसके साथ ही लगा के ट्राई कर लेती हूँ। ये बहुत मज़ेदार, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, डिफरेंट है। अब जो है मैं इनका अमेरिकन स्टेक ट्राई करने जा रही हूँ। सो देखते हैं, देखने में तो मुझे बहुत यमी लग रहा है, और सिजलिंग से तो वैसे ही स्टेक मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मैंने स्टेक इसलिए ऑर्डर किया है कि मुझे स्टेक खाना अच्छा लगता है। सो अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। इसमें अच्छी इन लोगों ने इसकी सॉस मशरूम की ऐड की हुई है, साथ में वेजिटेबल सॉटे की हुई है साथ में। सो अब ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इनके स्टेक का, बहुत अच्छा। वेल डन मंगवाया था हमने, कम्प्लीटली वेल डन ही है, और ज़बरदस्त इसके सॉस, इसके अमेरिकन जो सॉस इन्होंने ऊपर से ऐड की हुई मशरूम की, वो तो ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। इनकी सॉटे वेजिटेबल्स हैं वो भी ट्राई करते हैं। इसके साथ तो बहुत अच्छी लग रही है। साइड लाइन में इन्होंने राइस दिए थे, हर चीज़ ऑन पॉइंट है, बहुत मज़े का फ्लेवर है हर चीज़। बारबेक्यू का डिफरेंट फ्लेवर है, और स्टेक का, मुझे तो स्टेक वैसे ही बहुत पसंद है, सो मैं स्टेक को हमेशा प्रेफर करती हूँ खाने में। अब आप लोग भी आएँ इनको ट्राई करें, मेरी तरफ से रिव्यू में मैं तो इनको 100% दूँगी, बहुत मज़ा आया मुझे ट्राई करने में। अच्छा जी, नीचे मैंने आपको इनका जो है ग्रिल भी दिखाया था, स्टेक भी दिखाया, और हमने बारबेक्यू बनते हुए भी देखा था। सो अब ये सर्व हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं प्लेटर बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके अंदर मटन रिब्स हैं, बिहारी बूटी है, और ये क्या कहते हैं फिश पूरी इन्होंने दी हुई है ग्रिल करके, साथ में जो है वो सैलड है, और बहुत सारे राइस हैं। तो तकरीबन मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए जो ये थाली है, बल्कि थाल है, थाली नहीं है ये थाल है, ये जो थाल है ये उन लोगों के लिए सफिशेंट इनफ है जितना हम लोग खाते हैं। और अभी मैंने अपनी प्लेट में लिया हुआ है, अभी बटर चॉप ली हुई है, अभी मैं आपको चॉप जो है वो मटन की जो चॉप है वो ट्राई करके बताता हूँ। ये मुझे ज़रा फॉर्क देते हैं, ब्लैक पेपर में इसको बनाया गया है, और बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा सा मैं राइस का जो बाइट लेके दिखाता हूँ। वेरी वेल डन, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा है। अभी मैं जो है वो अमेरिकन स्टेक जो है वो ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैं स्टेक ट्राई करने लगा हूँ। सोबिया ने तो स्टेक को 10 out of 10 दिया है, और लेट्स सी मुझे किस तरह से लगता है। तो अभी एक बाइट लेके मैं आपको बताता हूँ कि स्टेक किस तरह से है। लग तो बहुत जूसी सा रहा है। डेफिनेटली स्टेक इज द विनर। सो भैया आप सही थी, स्टेक जो है वो आज का विनर है हमारा, और आई रिकमेंड यू दिस। बहुत ही अच्छे स्पाइसेस हैं,
ज़बरदस्त स्पाइसेस यूज़ किए हैं और बहुत ही अच्छा मैरिनेशन है स्टेक का। गुड, स्टेक इज गुड। अहमदाब खाना ऑर्डर करने के बाद इन्होंने हमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट सर्व किया, सब इसको ट्राई करते हैं कैसा है। ये है ब्रेड पुडिंग, इनकी स्पेशल स्वीट है। आइसक्रीम का बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, बहुत मजे की है और पुडिंग्स गरम गरम बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजेदार इन्हों का ये। और कैरेमल का बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। तो व्यूअर्स ये देखें हमारी टेबल, हमने सब कुछ खा लिया, सब कुछ बहुत मज़े का था। हम दो बंदों ने चार लोगों का खाना खाया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत इंजॉय किया। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये रिव्यू और ये व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और मेरी वीडियो को थम्सअप देना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा देखने में। तो हमने जो चीज़ें ट्राई की हैं, मैं कहूँगी कि आपने स्टेक के लिए रॉयल ग्रिल में लाजमी आना है। मेरी रिकमेंडेशन 10/10 है, बल्कि 100 है, मैंने 100 रिकमेंडेशन दिए। आप लोग भी आए रॉयल ग्रिल विज़िट करें और मुझे ज़रूर बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को इनका खाना कैसा लगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाकी प्रीवियस के मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे इस पूरे एक कंप्लीट रिव्यू को पसंद करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।